ठीक है कि अभी इतना सारा मीडिया मोबाइल पे और टीवी पे और तमाम इतनी सारी चीज़ें सुनने के लिए अवेलेबल हैं कि रूटीन में सुनने को लेके हमारा मन अब ऐसा हो गया कि यार बहुत सुन लिया है, बहुत देख लिया है और कुछ नया सुनने के लिए बहुत मन होता नहीं है, विशेष रूप से जब हम लाए गए होते हैं। और ये मेरी आपको गारंटी है कि 7 दिन बाद, 7 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद लगभग सबका वॉइस बदलना शुरू हो जाता है और जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो आपके लिए शायद नई भी होगी। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है और मुझको पता भी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है और मुझको पता है, कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है और मुझको पता है तो कम से कम मैं उसके लिए कोई कोशिश करूँगा, लेकिन कोई चीज मेरी जिंदगी में जरूरत है और मुझको पता भी नहीं है तो मैं क्या उसके लिए कोशिश करूंगा? कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझको पता भी नहीं है कि ऐसी मेरी कोई जरूरत है। और फाइनली पता चलता है कि उसके बिना जो कुछ भी हम कर रहे थे वो इनकम्प्लीट है और जितनी सारी प्रॉब्लम हम जिंदगी में फेस कर रहे हैं, मेरा ये ऐसा भी सोचना है कि जिंदगी का बड़ा पार्ट स्ट्रगल में जा रहा है। हम हमारी जिंदगी की ज्यादा ऊर्जा स्ट्रगल में लगे कि क्रिएशन में लगे, क्या लगता है? हमारी जिंदगी की ज्यादा ऊर्जा स्ट्रगल में लगे कि क्रिएशन में लगे? बोलोगे सारे मिलके बोलोगे तो आवाज ऊंची आ जाएगी, है ना? नेचुरली हम चाहते हैं कि स्ट्रगल में नहीं लगे, क्रिएशन में लगे। लेकिन यदि जिस चीज के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी जिंदगी की कोई चीज की जरूरत है और मुझको पता भी नहीं है और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है, तो पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम कहीं और है, सामान खोया कहीं और है और तलाश कहीं और है ना? वो सुनते ना, किसी की सुई गिर गई थी तो कहीं और ढूंढ रहा था, बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, बोले लाइट यहीं है ना? तो इसका मतलब है कि जैसा एक दो लोगों ने कहा कि जिस तरह से हम क्लासरूम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को क्लासरूम में बोर्ड पे ला सकते हैं और हजारों इंजीनियर डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सके? जरूरत है कि नहीं है? जैसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि अभी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी जिंदगी में ज्यादा समस्या किसी फिजिकल चीजों के कारण है, साधन के कारण है कि संबंध के कारण है? हमारी जिंदगी की ज्यादा समस्याएं संबंध में कोई कमी है कि साधन की कमी है? ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है? जोर से बोलो, आगे वालों की आवाज आ रही, पीछे वालों की तो नहीं आ रही। साधन की कमी है कि ज्यादा संबंध की कमी है ना? तो ज्यादा कमी, साधन की कोई कमी भी है तो आगे पीछे मिलके उसको पूरा कर लेंगे, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो संबंध की कमी है और हमारा ज्यादा प्रयास संबंध को लेके है कि साधन को लेके है, सुबह से शाम तक मेहनत क्या चीज के लिए करते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम सैंपल वही वाला है, सामान खोया कहीं और है और तलाश कहीं और है। तो इसका मतलब है कि एक बार जिंदगी को फिर से एक नए तरीके से देखा जाए। जो वक्त गुजर जाता है वापस लौट के आता नहीं है, और जिंदगी में उम्र का भी कोई रिलेशन है, किसी किसी उम्र में, किसी एज में हमारा एनर्जी लेवल अलग है, हमारी कंडीशनिंग अलग है, और किसी एक एज के बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ, पैसा और पद बढ़ने के साथ साथ आदमी कमजोर होता है, ताकतवर नहीं होता है, ऐसा जिंदगी बताती है। और मुझको लगता है कि ये जैसे जैसे हमारी भी एज बढ़ी है और हमारे साथ के लोगों की भी एज बढ़ी है तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन भी आ रहे हैं। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन ये भी आ रहा है कि जिंदगी भर आपने क्या किया उसका पता 60 के बाद चलता है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? जिंदगी भर आपने क्या किया उसका पता 60 के बाद चलता है, और उसके बाद बहुत कम लोग हैं लोग, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 60 के बाद फिर से जिंदगी शुरू कर पाए।
ऐसे भी लोग दिखाई दिए हैं, उनमें कमल मंगल जी भी एक हैं जिनका जिनकी चर्चा अभी लमिया जी कर रहे थे। ऐसे कुछ लोग जरूर दिखाई देते हैं। मैक्सिमम वर्ग ऐसा है जो 60 के आसपास शिविर में आता है तो किसी पॉइंट में आंख में आंसू भर के रो देता है, यार 25 में मिले होते तो कोई बात होती। तो मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं भी हैं, इन द सेंस कि एज फैक्टर हमारे हाथ में नहीं होता है। बहुत सारी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करेंगे हो सकता है वो हमारे हाथ में है, तो चीज़ों को धीरे धीरे देखेंगे। जो जिंदगी की तलाश थी वो तो हर जगह पर जाने पर भी पूरी नहीं हुई, फिर भी ऐसा ही लग रहा था कि और कुछ अभी जो मुझे सुकून दे वो अभी मेरी जरूरत फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसलिए तलाश तो जारी की जा रही रही। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि जिंदगी जैसी चल रही है इसमें कुछ कमी है और कुछ और होना चाहिए? ठीक, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हाँ यहाँ आ गए, ये ठीक है, इसके गले में डाल दो, ये समझेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि जिंदगी से वो इंडिकेटर तो आता रहता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ और सोचने की जरूरत है, लेकिन वो क्या सोचूं और क्या करूं एग्जैक्टली? और अब एक बार शादी हो गई तो उसके बाद वो सेलिंग बोट में कुछ बदलना है, चलती नाव में कुछ बदलना है, आप गाड़ी रोक नहीं सकते। फैमिली है तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ चलाने के लिए पैसा कहीं से आना ही पड़ेगा, तब घर चलेगा। जॉब है तो आपको हर दिन जॉब में जाना ही पड़ेगा, वो एक आवश्यकता है ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिंदगी को रोक दो और फिर किसी नए सोल्यूशन की तलाश में करो, ये बहुत पॉसिबल सबके लिए नहीं होता है। तो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री चलेगी, जॉब है तो जॉब चलेगी, गृहस्थ है तो गृहस्थ चलेगा ही, और उसी बीच में जिंदगी आपसे पूछ रही है कि नहीं, कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ और सोचने की जरूरत है। तो ऐसे में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसमें हमको लगता है कि है ना, जॉब में जिंदगी चल के आ जाए। देखो, हम लोग जॉब में थे और हमको जिंदगी की तलाश हुई तो हम लोगों ने बहुत उठापटक किया, बहुत लंबी स्ट्रगल की, और एक सुखद संयोग था कि जिंदगी से मुलाकात हो गई। आपके लिए ये सौभाग्य है कि आपकी जॉब में जिंदगी चल के आई है। अब आपको इन 7 दिन में चेक करना है कि वो जिंदगी जैसा मैं चाहता था, जैसा मैं सोचता था, वैसा वो जिंदगी है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। शिविर को मैं शुरू करता हूं, है ना, लेकिन इस पृष्ठभूमि के साथ कि अगले 7 दिन में अभी आप जो हो आप ये रहने वाले नहीं, ये बदल जाएगा और आप रोक भी नहीं पाओगे। नमस्कार। ये बदल जाने वाला है, बस केवल इतना ही करना है कि ये भी 7 दिन की एक जर्नी है, 7 दिन की इस जर्नी के भी कुछ नियम हैं। यदि हम उस नियम के साथ साथ उस नियम को फॉलो कर पाए तो आपकी जिंदगी अभी जैसा है ऐसी नहीं रहेगी, इस बात की मेरी आपको गारंटी है। लेकिन शर्त यही है कि हम साथ साथ चल पाएं, और साथ साथ कैसे चल पाएंगे उसके लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रख दूंगा। तो जो कुछ चल रहा है, चाहे मेरे अंदर चल रहा है, चाहे फैमिली में चल रहा है, या मेरी जॉब प्लेस पे चल रहा है, समाज या देश में चल रहा है, हम बहुत लोग बैठ के राजनीति पे चर्चा करते हैं। कितने लोग बैठ के कभी कभी राजनीति पे चर्चा करते हैं? करते हैं कभी कभी, खाली टाइम और कैसे बिताएंगे, कुछ तो चर्चा करेंगे। तो उसमें भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है और वो हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि कहीं भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं तो मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? एक तो पर्पज ये है कि टाइम पास करने के लिए, और आदमी करे भी क्या, एक पॉपुलर गेम है ना, आओ चुगली चुगली खेलेंगे, नहीं कभी करते हो कि नहीं करते? तो या तो वो टाइम पास होता है या हमारे पास सही में कोई सोल्यूशन होते हैं, हम उस पर कोई बात कर सकते हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं।
पहले मैं ये शेयर कर देता हूं कि मैं क्या नहीं करूंगा, क्योंकि देखो टाइम आपका भी महत्वपूर्ण है और मेरा भी महत्वपूर्ण है। इन 7 दिन में हम सभी चाहेंगे कि हम किसी रिजल्ट तक पहुंचे। कितने लोग चाहते हैं? ठीक, पहुंचाने की गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन शर्तों के साथ। आज कुछ भी रहता है, नीचे स्टार लगा रहता है ना, कुछ शर्तें लागू होती, तो कुछ शर्तें जो मेरे लिए शर्तें हैं वो मेरे लिए भी शर्तें बता देता हूं मैं क्या नहीं करूंगा। इन 7 दिनों में मैं कोई भी चीज आपसे मानने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। कुछ भी मानना है तो जो भी मैं कुछ कहूंगा वो नहीं मानना है। ठीक, आराम मिल रहा है? ठीक लग रहा है? जो भी कुछ आपसे कहा जाएगा वो आप माने ऐसी अपेक्षा नहीं है, है ना? क्या करना है वो थोड़ा सा आगे देखेंगे। कुछ भी आपसे छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई चीज छोड़ना है ऐसा नहीं कहा जाएगा। चाहिए शब्द का प्रयोग मैं एक बार भी नहीं करूंगा। ऐसा करना चाहिए, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, उठ के अपने बिस्तर की तैब बनाना चाहिए, और किसी तरह का कोई उपदेश मैं आपको नहीं दूंगा। वो चाहिए में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी अलग से लिख दिया। ये 4 काम मैं आपके साथ नहीं करूंगा। कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, कुछ भी मानने के लिए नहीं कहूंगा, और कोई प्रीचिंग नहीं करूंगा। ठीक, कोई उपदेश नहीं दूंगा। ये आप 4 काम नहीं करेंगे तो आप घर में एक दूसरे से क्या बात करेंगे? यदि ये 4 काम नहीं करना है तो घर में क्या बात करेंगे? है क्या बात करेंगे? है क्या लगता है? उसके बाद बात करने की जरूरत ही नहीं, आप इतनी ही बात करते हैं। या तो कोई उपदेश दे रहे होते हैं, या कोई चीज को छोड़ने के लिए बोल रहे होते हैं, या कोई चीज को करने के लिए बोल रहे हैं, ये करो ये ना करो। उपदेश का मतलब ये भी है ना, ये कहना कि ये करो और ये ना करो। ये करो और ना करो ये भी उपदेश ही है, ये नहीं करेंगे। कितना बढ़िया, ठीक है, ऐसे चल सकती है आपकी क्लास? देखो टीचर्स के लिए तो एक और भी है ना कि क्लास कैसे चल सकती है। चलिए, आप क्या नहीं करोगे वो बताता हूं। आप क्या नहीं करोगे तो देखो, 2 बहुत अच्छी चीजें लिखना चाहता हूं जिसका ध्यान पूरे शिविर में आपको बना रहेगा। इस अर्थ में कि समझने का काम, समझना स्वयं में होता है, समझना स्वयं में होता है, और समझने को जीना। यदि मेरे को कोई चीज समझ में आया है तो उसका प्रमाण, उसको जीना परिवार में होता है, और परिवार का नाम केवल ब्लड फैमिली नहीं है, हमारी जॉब की जगह में भी हम एक तरह से वो हमारे परिवार का ही एक्सटेंशन होता है, जहां हमारे दिन का, हमारी जिंदगी का, हमारा प्राइम आवर्स 8 घंटे रोज हम कहीं पे लगाते हैं ना, वो भी एक तरह से हमारी फैमिली का एक्सटेंशन ही है, उसको सेंस में देख सकते हैं। तो समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। इसका मतलब है कि जब आप सुन रहे होंगे किसी चीज को, जब मैं कोई चीज आपके सामने प्रपोज कर रहा हूंगा, तो आपका ध्यान ऐसा मत जाए कि ये मेरी पत्नी को समझना बहुत जरूरी है, और पत्नी बैठ के सोच रही है कि पति साथ में होता तो ठीक रहता, क्योंकि ये सब आपके मन में अभी आने वाला है, है ना, शाम होते होते, कल सुबह होते होते, तो आपको याद आने लगेगा ये पति साथ में होता तो अच्छा रहता, सुन लेता तो ठीक रहता, बेटा साथ में होता तो ठीक रहता।
तो अब जैसा भी है हम यहाँ पे पहुंच ही गए हैं, अकेले आए हैं कि कितने लोग विथ फैमिली हैं, विथ फैमिली कितने लोग, ठीक है। क्योंकि हम ये सलाह देते हैं कि आप जब भी आए कम से कम हस्बैंड वाइफ साथ में आए मिनिमम, क्योंकि हस्बैंड लौट के घर समझा पाएगा, ऐसा हो सकता है? और वाइफ घर लौट के समझा पाए, ऐसा भी संभावना कम है। तो इसका अर्थ है कि कम से कम दो दो चक्के की गाड़ी को यदि ठीक से चलना है तो समझने का काम दोनों मिलके साथ साथ कर पाए। तो मेरा बहुत रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब आप किसी भी प्रपोजल को सुनते रहेंगे तो आप उसको अपने लिए सुनेंगे कि पड़ोसी के लिए सुनेंगे? तो केवल है अपने लिए, हाँ तो केवल अपने लिए सुनना है, फिर पत्नी के लिए नहीं सुनना है, पति के लिए नहीं सुनना है, और प्रिंसिपल सोच रही है वे टीचर ये सुन लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा प्रिंसिपल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो केवल और केवल ये पूरी वर्कशॉप, ये पूरे 7 दिन आपके अपने लिए हैं, आपने अपने लिए कोई समय निकाला है, और मेरी जिंदगी में कोई गुणात्मक परिवर्तन आए, कोई क्वालिटेटिव चेंज आए, ये मेरी जरूरत है। और एक बार जिंदगी करवट ले सकती है तो फिर कितनी भी बड़ी करवट ले सकती है, एक बार ये कॉन्फिडेंस हमको इस 7 दिन में आ जाए तो फिर आगे की जिंदगी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जो भी चेंजेस हम लाना चाहते हैं वो किस दिशा में लाने हैं, इस पे हमारा ध्यान एक बार चला जाएगा। तो नंबर एक अपने लिए सुनना है ना, और शिविर में बैठे बैठे लिस्ट नहीं बनाना है कि अब अगले शिविर में किस किस को लाना है, अब क्या क्या करोगे वो पहले से बता देता हूं, तो ये सब नहीं करना है। नंबर दो लिख लो ताकि बार बार मैं टोकूंगा आपको कि आपका पॉइंट नंबर दो मिस हुआ है, पॉइंट नंबर तीन आपका मिस हो रहा है। पॉइंट नंबर दो है कि आप सुनते समय कंपैरिजन मोड में, फिलोसॉफिकल कंपैरिजन मोड में नहीं जाएंगे। आप ओशो को पढ़ के आए हैं, आप किसी और को सुनते रहे हैं, तो जब मैं कुछ बोलूंगा तो जब ओशो के अनुसार बोलूंगा तो आपको लगेगा आप ठीक बोल रहे हो, या मैं आपके अनुसार नहीं बोलूंगा तो आपको लगेगा ये तो ठीक नहीं है। तो पता नहीं ओशो को भी आपने कितना पढ़ा है और इसको तो अभी आप सुनना शुरू कर रहे हैं, तो किसी भी दो फिलॉसफी को कंपैरिजन करने का कब फायदा हो सकता है हमको, किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने का फायदा हमको कब हो सकता है? जब दोनों पे हमारा बराबर का अधिकार हो। जब किसी भी दो फिलॉसफी पे, दो थॉट प्रोसेस पे हमारा बराबर का अधिकार होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं और कहां किसी चीज में पॉजिटिव है या गैप्स है उसको पहचान सकते हैं। अभी हमारा किसी भी चीज पे बहुत गहरा अधिकार होता नहीं है, सुना सुनाया कुछ होता है थोड़ा बहुत। तो कृपया करके आप जिस भी बिलीफ सिस्टम से आते हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ओशो हैं, आशाराम हैं, हम किसी भी बिलीफ सिस्टम से आते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को बनाए रखें, उसको एक बाजू में रखे रखें। किसी भी फिलॉसफी को सुनने का ये किसी भी फिलॉसफी को सुनने का ये तरीका होता है कि जैसा कहा जा रहा है वैसा सुना जाए और फिर उसको आर पार किया जाए। एक बार एक लेवल तक की क्लैरिटी हमारी बन जाए तो फिर उसको हम आर पार करेंगे कि क्या कम है क्या ज्यादा है। लेकिन कोई डिस्कशन भी करना है तो मैं हूं और आप हैं, मैं किसी तीसरी चीज का एग्जांपल आपके बीच में नहीं लेके आऊंगा और आप भी किसी तीसरे आदमी को बीच में लेके नहीं आएंगे। सीधे सीधे हम बात करेंगे। जैसे राम कथा होती है तो किसके बारे चर्चा हो रही है? राम के बारे। और कृष्ण कथा में? कृष्ण के बारे। और ये कैसी कथा है? ये आपकी कथा है, डायरेक्टली आपके बारे में बातचीत होगी, हर बार आपके बारे में कुछ कहा जाएगा। तो दूसरा आपसे निवेदन है कि हम कोई फिलोसॉफिकल कंपैरिजन नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे, उस पर कुछ कम ज्यादा होगा उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? ताकि आपकी लिसनिंग ठीक से मिल पाए। तीसरा एक और थोड़ा मुश्किल है लेकिन ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हम सब अपनी जिंदगी में किसी बैगेज के साथ हैं। 10 साल पहले आपने कोई दुख पाया है, आपकी जिंदगी में कोई घटनाएं घटी हैं और उसको लेके आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और जब भी ये ऐसा रिलैक्स होने वाला टाइम आता है तब तो वैसी घटनाएं ज्यादा याद आ जाती।
जब मैं कुछ कह रहा हूंगा तो आप अपने पीछे की जिंदगी में चल रहे होंगे, या मैं यहाँ कुछ कह रहा हूंगा तो आप अपने परिवार में जा रहे होंगे, या आप कहीं और चले जाओगे। तो जब भी कुछ कहा जा रहा है, हम बोर्ड के साथ साथ चल पाए, हम बोर्ड के साथ साथ चल पाए। और यदि कोई चीज हमको तंग कर रही है, कोई घटना तंग कर रही है, कोई और थॉट तंग कर रही है, तो उसको लिख के डाल दे। आप लिख दोगे तो आपको ये मन ये स्वीकार लेता है कि मैंने लिख दिया है, इसको मैं बाद में हैंडल करूंगा, तो आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। कितना पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट क्या था? अपने लिए सुनना है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? फिलोसॉफिकल कंपैरिजन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? बैगेज को थोड़ा सा आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, चीजों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप सुन पाएंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये 7 दिन आपकी जिंदगी के, अभी तक की जिंदगी एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ, ऐसा आप बोल के जाओगे, क्योंकि हर शिविर में ऐसा ही होते हुए देखते हैं। तीसरी बात हो गई, चलिए और कुछ ध्यान आएगा तो शेयर करूंगा। तो 3 चीजें मैंने कहने की कोशिश की कि समझना स्वयं में होता है, अपने लिए सुनना है, कंपैरिजन नहीं होना है, स्वयं स्वयं को केंद्र में रखना है। देखिए इसका एक और मतलब यह है, ये पूरा शिविर एक कम्युनिकेशन है ना। मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे, हम बात करेंगे, मेरे को बोलना है, आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। हम मिलके बात करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जब भी आप कुछ शेयर करेंगे तो थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल दे लेंगे। क्या मतलब? और कल्पना से भी एग्जाम्पल नहीं लेंगे। तो बात करेंगे तो किसकी करेंगे? किसकी करेंगे? डायरेक्टली करेंगे, अपनी करेंगे, जिंदगी में घटी घटनाओं की करेंगे। कल्पना से बात नहीं करेंगे, किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं करेंगे। पहुंच रही? तो ये जो वैचारिक तुलना है, वैचारिक तुलना है, इससे बचें। अपना जो चित्त का बोझा है, चित्त का जो बैगेज है, इससे बचें। और स्वयं को केंद्र में रखना है तो जितनी भी चर्चा करेंगे, जितना भी हम डिस्कशन में चीजों को लाएंगे, तो स्वयं को केंद्र में लाएं, स्वयं की और रियल टाइम घटनाओं की बात करेंगे, कल्पना की बात हम नहीं करेंगे। ऐसा आप ध्यान बनाए रखेंगे तो हमारा कम समय खराब होगा, हम ज्यादा बेहतर कंटेंट को कंटेंट के साथ में चल पाएंगे, उसको प्रोसेस कर पाएंगे। चले चलिए अब ये चर्चा कर रहे हैं कि अपना बात करने का तरीका क्या होगा, हम बात कैसे करेंगे। बात कैसे करेंगे तो मैं आपके सामने चीजों को प्रपोज करता रहूंगा, मैं एक प्रस्ताव आपके सामने देता रहूंगा, जो बेसिकली मध्यस्थ दर्शन। प्रस्ताव कहां से आएगा? एक नया एग्जिस्टेंस को समझने का, खुद को समझने का एक नया व्यू पॉइंट या एक दर्शन सामने आया, जिसको बेसिकली हम प्रेजेंट करते हैं तो उसको जीवन विद्या शिविर बोलते हैं। तो मैं आपके सामने चीजों को प्रपोज करता रहूंगा। दर्शन क्या है उसके बारे में 2 शब्द बोल देता हूं। दर्शन मतलब देखना मतलब देखना मतलब किसी की आंखें नहीं होंगी तो उसको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देगा? किसी की आंखें नहीं होंगी तो क्या उसको दिखाई देगा? किसी की आंखें नहीं होंगी तो उसको सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा?
नहीं देगा, नहीं देगा, हाथ उठाओ। सोच रहे कुछ तो गड़बड़ है। तो क्लियर है, आप ही बोलते हो मैं खा के देखता हूं, इसका मतलब जीभ से भी देखते हो। पी के देखता हूं, इसका मतलब सुन के देखता हूं, गा के देखता हूं, छू के देखता हूं, सुन के देखता हूं, इसका मतलब देखना मतलब महसूस करना, महसूस करना मतलब समझना, समझना मतलब कोई चीज समझ में आ गई तो मतलब प्रैक्टिस कर पाना, जीना, समझना मतलब जीना। तो एक एक सूत्र यहां से निकला, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। तो आंख 6x6 होने से दिखता है कि दृष्टि 6x6 होने से दिखता है, है? आंखें ठीक होने से कुछ नहीं दिखता है, आंखों से कुछ दिखता है कि नहीं? ये पेन दिख रहा है कि नहीं? पेन दिख रहा है? कितने लोगों को पेन आंख 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 से पेन दिख रहा है? हाथ उठाएं। कितने लोगों को पेन आंख से दिख रहा है? हाथ उठाएं। मार्कर है, मार्कर है। ये आंख से दिखता है? इसी पीछे आदिवासी गांव में इस पेन को ले जाओ और उनको दिखाना, कितने लोग को दिखाई देगा? कितने लोग को ये पेन दिखाई देगा? सबको दिखाई देगा? जिसने पेन आज तक यूज नहीं किया होगा, जिसने पेन आज तक यूज ही नहीं किया है, यदि उसको ये दिखाया जाएगा तो उसको क्या दिखाई देगा? अच्छा, सूरत से आए हो ऐसा लगता है। हाँ जी, प्लास्टिक, उसको प्लास्टिक भी नहीं दिखाई देगा। प्लास्टिक आपको दिख रहा है, लकड़ी का टुकड़ा, हाँ ऐसा, उसने लकड़ी देखी है तो लकड़ी का टुकड़ा मान सकते, ब्लैक कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, जो भी देखता हूँ वो अपनी मेमोरी से देखता है। हाँ, जो भी मैं देखता हूँ मेरी मेमोरी से देखता हूँ, मेरी मेमोरी में है कि ये पेन है, ये पेन है, ये आंख में है कि मेमोरी में है? मेमोरी में है। तो आंख से दिखता है कि मेमोरी से दिखता है? मैं पहचानता हूं इसलिए दिखता है, इसका मतलब है आंख से कुछ नहीं दिखता है। कितने लोगों को भरोसा हो गया कि आंख से कुछ नहीं दिखता है? हाथ उठाओ। कहीं भी हाथ उठा देना ऐसा भी नहीं है। आंख से कुछ नहीं दिखता है, ये सच्चाई है। है तो सही है ना? आप घर में कोई सामान ढूंढने जाते हो, जो सामान ढूंढ रहे थे वो भूल गए कि क्या लेने आया था। आंख खुली रहती है, सामान सामने रहता है और सर पटक के चले आते हो और लौटते लौटते याद आता है, अच्छा कैंची लेने आया था, कैंची वही थी, उसका चित्र भी आंख पे पड़ा था लेकिन देखने वाला गायब था। तो इसका मतलब है जब किसी को ठोकर लगती है तो क्या बोलते हैं? पैर ठीक से रखो कि ध्यान से चलो? जब कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसका कान पकड़ के मुंह के पास लाते हैं कि क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो। तो कौन सुनने वाला है? ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो। इसका मतलब पैर से चल रहे कि ध्यान से चल रहे है? ध्यान से। ये ध्यान क्या है पता नहीं है ना? तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि दर्शन का मतलब है देखना, देखने का मतलब है समझना, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। हमने अपने घर में रहने वाले लोगों को समझा? हमने अपने घर में रहने वाले लोगों को समझा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं समझा, नहीं समझा। समझे होते तो आपस में मनमुटाव नहीं होते ना? हमको प्रॉब्लम फैन के साथ है कि आदमी के साथ है?
हमारी प्रॉब्लम तो आदमी के साथ है और दूसरे के साथ है कि अपने साथ ज्यादा है। हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया? जोर से बोलो, अपनों से। अपनों से ज्यादा पाया कि अपने आप से ज्यादा पाया? तो एक काम के लिए हम सेल्फ रिलायंट, दुखी होने के लिए अपने को दूसरे की जरूरत नहीं, अकेले में पर्याप्त। तो इसका मतलब है समझना हुआ कि नहीं हुआ, खुद को समझना हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि पेन को समझता हूं तो पेन के साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक को समझता हूं, मैं नहीं समझता हूं तो भाई समझता है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो भाई हैंडल कर लेता है। इसका मतलब है कि जिन चीज किसी चीज को मैं समझता हूं उसका प्रमाण है कि उस चीज के साथ मैं जी लेता हूं और बिना किसी प्रॉब्लम के जी लेता हूं, इसका मतलब है कि मैं समझता हूं। और कोई चीज के साथ मैं नहीं, कोई चीज के साथ मैं जूझ रहा हूं, स्ट्रगल में हूं, इसका मतलब है कि मैं उसको समझता हूं कि नहीं समझता हूं? मैं नहीं समझता। तो इसका मतलब है दर्शन क्या चीज है? दर्शन का मतलब है कि वो रियलिटी जैसी है उसको वैसा देखा जा सके। रियलिटी जैसी है उसको वैसा देखा जा सके तो किसी पॉइंट पे हम एटम नाम की रियलिटी को देखने में समर्थ हो पाए। एटम को समझा तो क्या समझ में आ गया? सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा किसके साथ है? यदि हम फिजिकल वर्ल्ड को लें और पेड़ पौधे को लें और पशु पक्षी को लें और आदमी की चर्चा करें, चार चीजें हो गई ना, मटेरियल वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बीइंग, इनमें सबसे अधिक हमारा अधिकार किसके पास है? सबसे ज्यादा हम किसको समझते हैं? मटेरियल को। मटेरियल को क्यों सबसे ज्यादा समझते हैं? क्योंकि एटम को समझते हैं। उससे कम अधिकार हमारा किसके पास है? प्लांट्स के साथ। सेल को समझते हैं लेकिन ये किसी लेवल तक समझते हैं। अभी भी हम आर्टिफिशियल सेल नहीं बना पाए हैं जितनी मेरी जानकारी है। आर्टिफिशियल सेल बना लेते तो हम आर्टिफिशियल ब्लड बना लेते, है ना? ब्लड किसी आदमी से ही लेना पड़ता है, हम ब्लड नहीं बना पाते। इसका मतलब है कि उससे कम समझ पाते, है ना? ऐसा हम देखें पशु पक्षी को और आदमी को तो हम हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। आदमी के शरीर को हाथ लगा पा रहे हैं कि आदमी को हाथ लगा पा रहे हैं? जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है आदमी के साथ जीने का विश्वास बढ़ा है कि घटा है? जोर से बोलो। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है आदमी के साथ जीने का विश्वास बढ़ा है कि घटा है? घटा है। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी हमारी समझ के बाहर है। तो दर्शन का मतलब है, अच्छी बात क्या है? देखो अच्छी बात क्या है, एक बात बहुत शानदार है कि ये पूरी नेचर किसी नियम से है कि रैंडम है? नियम से है। ये पूरी नेचर किसी नियम से है, इसलिए हम मटेरियल वर्ल्ड को समझ पाए और पेड़ पौधे को समझ रहे हैं, पशु पक्षी को समझ रहे हैं। हम उसको नियम को समझें कि नहीं समझें, वो अपने नियम से रहता है कि नहीं रहता है? रहता ही है। हम समझें कि नहीं समझें, तो हम समझें कि नहीं समझें, सूरज अपना काम करता है, चांद अपना काम करता है, पेड़ पौधे अपना काम करते हैं, पशु पक्षी अपना काम करते हैं। हम समझें और ना समझें, माने या ना माने, इससे प्रॉब्लम है तो किसको है? हमको है, है ना? तो अच्छी बात यह है कि ये नेचर किसी नियम से है। ये नेचर किसी नियम से है तो आदमी उस नेचर का हिस्सा है कि आदमी कोई मैन मेड एंटिटी है? ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल एंटिटी है कि मैन मेड एंटिटी है? नेचुरल एंटिटी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी नेचुरल एंटिटी है उसका कोई नेचुरल बिहेवियर है, तो ह्यूमन बीइंग भी एक नेचुरल एंटिटी है, इसका मतलब उसका भी कोई नेचुरल बिहेवियर होगा। तो इसका मतलब इतना ही हुआ कि दर्शन के बारे में यहां अभी के लिए इतना ही कहना काफी होगा कि जिस तरह से हम एटम को समझ पाए, सेल को समझ पाए, उसके बेसिस पे हम तमाम इंजीनियरिंग, तमाम मेडिकल साइंस को कुछ हद तक, जिस हद तक भी समझ पाए, क्लासरूम में ला पाए। हजारों इंजीनियर डॉक्टर हर साल तैयार करते हैं और हम एक बेहतर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है पहले की तुलना में। तो क्या इस बात की जरूरत नहीं है कि जिंदगी को क्लासरूम में ला सके? ये सोचने की मशीन, जैसे डॉक्टर को पता है कि हार्ट इधर पे है, किडनी इधर पे है, डॉक्टर किडनी के नाम पे हार्ट नहीं खोल देता ना? नहीं नहीं गलती से मैंने हार्ट खोल दिया, मेरे को लगा किडनी इधर होगी, ऐसा नहीं करता है। लेकिन मैं अपने विचार को हैंडल करने जाता हूं तो मेरे को नहीं पता है विचार। कितने लोगों को लगता है कि मेरे को बार बार वही विचार आते हैं जिनको मैं नहीं चाहता हूं और ये मेरे को दुख देते हैं?
दुख देते हैं। तो आप ही कर रहे हो कि कोई और कर रहा है, कोई भूत घुस गया है? तो मेरे मैं ही सोचता हूं, मैं ही ऐसा सोचता हूं जो मेरे लिए दुखदाई होता है, और मैं दुख पाना नहीं चाहता हूं, मेरे ना चाहने के बावजूद भी वही विचार आता है कि मैं हैंडल क्यों नहीं कर पाता, मैं गाड़ी तो ठीक चलाता। ये विचार की गाड़ी है, ये तो मेरे से हैंडल नहीं होती है, इसको हैंडल करने की जरूरत है कि नहीं है? है। इसका मतलब है दर्शन, यहां दर्शन का आशय उस चीज से है कि हम पूरे नेचर को भी समझ पाएं, ह्यूमन बीइंग को भी समझ पाएं, अपने विचार को भी समझ पाएं, है ना, अपनी जिंदगी में सारे सुख दुख को भी समझ पाएं, और अपनी जिंदगी में तो पूरे एग्जिस्टेंस को देखो। जब बात चली है तो मैं कह दूं कि आदमी के पास यदि समझने का कंटेंट है तो वो कुल इतना ही है कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, इससे ज्यादा का कोई क्वेश्चन आपके पास है नहीं, किसी के पास हो नहीं सकता, इतना ही मटेरियल है। पूरे एग्जिस्टेंस में मानव के समझने के लायक कुल कंटेंट इतना ही है कि ये संसार क्या है। संसार क्या है मतलब ये एग्जिस्टेंस क्यों है, कहां से आ गया, किसने बना दिया, कोई ईश्वर ने बनाया तो उसको किसने बना दिया, ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में उठते ही हैं। फिर मैं कहां से आ गया, है ना, मैं जैसा सोचता हूं मैं ऐसे ही क्यों सोचता हूं, और जैसा मैं सोचता हूं वो ठीक नहीं है तो उसको मैं ठीक कैसे करूं, ये सोच कहां पे रहता है, और फाइनली करना क्या है, जो भी मैं कर रहा हूं, है ना, अभी की हमारी समस्या कैसी है, हम क्या चीज से जूझ रहे होते हैं, कुछ भी घर में गलत हुआ तो तय करते ही हैं गलती किसकी थी, मेरी गलती थी कि उसकी गलती है, तो कहीं ना कहीं किसी सही गलत को पहचानने की हमारी तलाश है ही है। अपने आप को हर समय हम प्रूव करना ही चाहते हैं कि मैं तो सही था ही, मैं तो सही हूं ही। तो हर व्यक्ति अपने आप में अपने आप को एक ऑथेंटिकेट करना चाहता है, अपने आप को सही जगह में हमेशा प्रूव करना चाहता है। तो फाइनली ये है कि मैं जो भी सोच रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो सही है, मैं इस जगह पे पहुंचना चाहता हूं, मैं कंफ्यूज्ड आदमी नहीं हूं, मैं ठीक चीज को पहचान रहा हूं। तो फाइनली कहेंगे कि दर्शन का मतलब इतना ही है कि संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। हमारा सारा कंफ्यूजन, सारे दुख मेरे और इस सारे संसार के केवल इसी तीन जगह में है। तो मैं कोई प्रपोजल आपके सामने रखूंगा, जैसा कि पहले ही कहा गया कि आपको मानना नहीं है तो हमको चीजों को जानना है। जानने के लिए तीन टूल्स हमारे पास हैं। सबसे पावरफुल टूल है जिसको बोल रहे हैं स्वनिरीक्षण। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? स्वनिरीक्षण। क्या? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, है ना, इंट्रोस्पेक्शन, जैसे कुछ शब्द यूज करते हैं पर उसका उतना गहरा मीनिंग नहीं है जितना गहरा मीनिंग यहां पे स्वनिरीक्षण शब्द का है। मुझको वो शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, ओरिजिनल ऑब्जर्व, ओरिजिनल ऑब्जर्वर। अभी हम लोग डुप्लीकेट ऑब्जर्वर हो गए क्योंकि किसी के प्रभाव में देखते हैं। जब मैं किसी दूसरे से प्रभावित हो जाता हूं और वैसा देखने की कोशिश करता हूं तो रियलिटी जैसी है मुझको वैसी नहीं दिखती है, तो मैं ओरिजिनल ऑब्जर्वर नहीं हूं। ओरिजिनल ऑब्जर्वर का मतलब है कि नेचर जैसी है, नेचर में जैसा है, रियलिटी जैसी है, मैं वैसा उसको देख पाऊं तो उसका नाम ओरिजिनल ऑब्जर्वर। मैं किसी चीज को स्वनिरीक्षण करता हूं, परीक्षण करता हूं, परीक्षण का मतलब है जिनके साथ में मैं रहता हूं उनके लिए ठीक है कि नहीं, मैं सर्वेक्षण करता हूं, सर्वेक्षण का मतलब है सबके लिए ठीक है कि नहीं है। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि यदि एग्जिस्टेंस किसी नियम से है तो उसका मतलब ही है कि वो यूनिवर्सल है, यदि नियम से है तो इसका मतलब ही है कि वो लॉजिकल है, यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, और लॉजिकली समझा जा सकता है तो उसको जिया जा सकता है, इसका मतलब प्रैक्टिसेबल है, और सभी जी सकते हैं इसका मतलब रेप्लिकेबल है, हेंस वेरीफाइबल है। इतना काम करेंगे यदि हम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं
तो कोई चीज यूनिवर्सल है, लास्ट का सेंटेंस शब्द मेरा ठीक से नहीं लिखा गया, फिर से लिख देता हूं। यदि एग्जिस्टेंस अपने आप में किसी नियम से है, इसका मतलब है कि उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, समझा जा सकता है तो मतलब जिया जा सकता है, जिया जा सकता है तो मतलब सभी एक चेयर इधर, उस पर एक कपड़ा। इसका मतलब यदि ये एग्जिस्टेंस अपने आप में यूनिवर्सल है तो वो लॉजिकल है ही, लॉजिकल है, उसको समझा जा सकता है, तो प्रैक्टिसेबल है, सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए रेप्लीकेबल है, इसलिए कहा कि वेरीफाइएबल है। हाँ जी, ठीक चल रहे, साथ साथ चल पा रहे, पीछे देखिए, शिक्षा एकमात्र प्लेटफॉर्म है। जो हमारा संविधान मानव मानव में समानता की बात करता है, जो मानव मानव में समानता की बात करता है वही मानव मानव में सबसे बड़ी दूरी का कारण है। बात पहुंची नहीं पहुंची, फिर से बोलता हूं, जो मानव मानव में समानता की बात करता है वही मानव मानव में सबसे बड़ी दूरी का कारण है। कौन? नहीं पहुंचा, फिर से बोलता, जो मानव मानव में समानता को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है वही मानव मानव में सबसे ज्यादा दूरी का कारण है। कौन? कौन? धर्म। धर्म सबसे अधिक युद्ध धर्म के नाम पे आज तक हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। धर्म मानव मानव के बीच में सबसे बड़ी दूरी है, बाकी दूरियां सब पार करने लायक हैं। इस धर्म की दीवार को तो हम हैंडल नहीं कर पा रहे, जबकि धर्म अपने आप में शांति का पैगाम देने की कोशिश करता है। धर्म मानव को मानव से जोड़ने का है ना, मानव को मानव से जोड़ने की घोषणा करता है, लेकिन धर्म आज भी हमारे बीच में सबसे बड़ी दीवार है। यदि पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें और नेशनल लेवल पे देखें तो सभी देशों में ये आपको दिखाई देगा। कितने लोगों को लगता है ऐसा ठीक है, ऐसा कहना उचित है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको और ठीक से समझने की जरूरत है। कुछ दूर आए हैं, कुछ यात्रा शेष है, सब कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यात्रा शेष है ये तो समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कुछ मैं आपके सामने कहूंगा, आपके सामने मैं प्रपोज करता रहूंगा, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। स्वनिरीक्षण का मतलब है स्वयं को केंद्र में रख के सुनना है, स्वयं को केंद्र में रख के विश्लेषण करना है, स्वयं को केंद्र में रख के उसकी सच्चाई को पहचानने की कोशिश करना है। इसमें दूसरा बीच में नहीं आएगा, कोई कंपैरिजन बीच में नहीं आएगा, और फाइनली हमारे बात करने का आधार ये होगा कि एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है तो उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, और ये लॉजिकली समझा जा सकता है तो उसको जिया भी जा सकता है, क्योंकि समझने का प्रमाण जीना है, और जिया जा सकता है तो काम पूरा हो गया। ठीक, एक और लाइन कह दूं फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे बोलने से, मेरे हिंदी बोलने में यदि आपको कोई शब्द ऐसा लगता है कि आप तक कन्वे नहीं हो रहा है तो ये बताना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या मुश्किल लगता है। ठीक, तो आप संकोच नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट पे, कोई भी शब्द या कोई भी चीज अपने को ऐसा लगती है
मैं फिर से कह दूं, आपका भी समय कीमती है, मेरा भी कीमती है, मैं इस काम को क्यों करता हूं? यदि इससे कोई आर्थिक अपेक्षा नहीं है तो मैं इस काम को क्यों करता हूं, या मेरे जैसे और मित्र इस काम को क्यों करते हैं? है? माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए, थोड़ा हाथ ऊपर उठा लीजिए, हाँ आपका हाथ, हाँ इनको माइक। सबके कल्याण के लिए। ओहो चलिए इसको समझेंगे, है ना, इसको समझेंगे कि इस काम को हम क्यों करते हैं। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि कम से कम इस काम से हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, और मैं ही नहीं करता हूँ, मेरे जैसे हमारे तमाम मित्र हैं जिनको लगता है कि ये बढ़िया काम है, इसको करने की जरूरत है। वक्त आने पे समझेंगे कि इसको हम क्यों कर रहे हैं। चलिए अब बोलिए, अब शिविर शुरू करूँ? आगे बढ़े, ठीक है सब? उत्साह नहीं दिख रहे? ऐसा कमांडो टाइप। चलिए तो यात्रा को शुरू करने के पहले ये मानते हुए कि हम में से कितने लोग हैं जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आते हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आते हैं, ठीक, और जो माँ बाप हैं वो पहले टीचर हैं ही हैं, इसलिए हम सभी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ही आते हैं। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि रख देता हूँ कि ये बात करने की जरूरत क्या है, और आज हम दिन भर में ये तय कर पाएंगे कि क्लियरली आने वाले 6 दिनों में हम किस तरह की अचीवमेंट की बात करेंगे, किस तरह की उपलब्धि की बात करेंगे, आज उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। और साथ में मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी की जरूरत है और जो मेरी कल्पना में भी बहुत ठीक से नहीं है, मेरी जरूरत है और मुझको पता नहीं है, इसकी भी बहुत संभावना है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए एजुकेशन को लेके थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए कि यदि एजुकेशन को हम देखें, कोई भी चीज है वो एक अपने आप में एक प्रोसेस है, तो एजुकेशन भी एक प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस का एक इनपुट होता है और कोई भी प्रोसेस का एक आउटपुट होता है। तो इस एजुकेशन के प्रोसेस का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? इनपुट और आउटपुट पता चल जाए तो बीच की चीजों को फिर हम ठीक से पहचान सकते हैं। तो क्या लगता है इनपुट क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई इनपुट है कि प्रोसेस? पढ़ाई तो प्रोसेस हो गया, इनपुट है लगभग 3 साल का बच्चा, और आउटपुट है, आउटपुट क्या है? लगभग 22 या 25 साल का युवा। तो इनपुट आउटपुट बहुत क्लियर है। एक बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, और नीचे आ जाए तो एक बच्चा किसी घर में पैदा होता है, और फाइनली उस घर से क्या सीखता है और स्कूल से क्या सीखता है, फिलहाल अभी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यदि एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बाकी पैरामीटर्स को क्या रखें? बाकी पैरामीटर्स को देखें तो एक तरफ उस बच्चे का परिवार है, एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी परिवार है, एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी टीचर है। मैनेजमेंट कुछ भी सोचे, कुछ भी चाहे, फाइनली क्लासरूम में वो हो पाता है जो टीचर की योग्यता होती है और जो टीचर चाहता है, इसलिए टीचर एक महत्वपूर्ण घटक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोसेस में? क्या पढ़ाया जा रहा है? तो क्या पढ़ाया जा रहा है उसके लिए एक एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एक जिसको हम कह रहे हैं कि सिस्टम है, MHRD है, NCERT है, ये सब कुछ मिलके तय करते हैं कि क्या पढ़ाया जाए। फिर एक समाज नाम की चीज भी है, और क्या बचा?
और क्या बचा? एनवायरमेंट की बात करेंगे तो वो समाज है, सिस्टम है, परिवार है, टीचर है, ये सब से मिलके एनवायरमेंट बना। और क्या बचा? बोलते जाओ फटाफट, उतना टाइम जितना मैं, जब मैं बोलूंगा तो चार लोग को एक साथ बोलना ही है। हाँ, थोड़ा माइक, एक जन माइक, कितने हैं हमारे पास माइक, कितने हैं? तीन हैं, एक उस तरफ एक पीछे रखो। हाँ बेटा, जो भी बोलना चाहे एक बार थोड़ा हाथ खड़ा करें ताकि माइक वाले को पता चल जाए। हाँ जी, माइक ऑन करें। नमस्कार सर। माइक ऑन नहीं आपका। हाँ, कंटेंट बजा। कंटेंट, तो फाइनली बेचारा बच्चा है और प्लस कुछ बुक्स है, ठीक है? कुछ मैं नहीं लिख पा रहा हूं तो आप बोल दीजिए, इसके अलावा और कुछ है तो बताएं। है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को समाज में डाल देते हैं, सोशल मीडिया। और बोलिए, और कोई चीज मैं नहीं लिख पा रहा हूं? है एग्जाम, ऐसा मत बोलो, माइक से बोलो और फटाफट बोलो। हाँ जी, माइक दो इनको, और माइक ऑन करके दें हमेशा, जिसको भी आप दें ऑन करके दें। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे? माइक लीजिए। नेचर सर, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति कहाँ डालें? प्रकृति को समाज के साथ ही रख देते हैं। बढ़िया, गुड। और बोले? मनी। मनी, तो परिवार में है या MHRD के पास है या समाज में है, है ना? सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस क्या चाहते हैं बताइए? सक्सेस के रूप में क्या चाहते हैं? कैसा युवा चाहते हैं? देखो अभी सब ना पेरेंट्स के ढंग से बोलना, टीचर के ढंग से मत बोलना, है ना? आप सभी पेरेंट्स ही हैं, आपका बच्चा कहीं पढ़ता ही होगा, तो आप अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं या एक युवा अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहता है, दोनों ज्यादा बेहतर रहेगा बताने का तरीका। कंपनी है, कंपनी, कंपनी, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल समाज में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ, आप जो भी बोलना चाहते हैं पहले हाथ उठाएं, हाथ उठा के माइक लें और माइक आप ऑन करके दें और वापस लेके ऑफ करें। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सक्सेसफुल, अब सक्सेसफुल का को परिभाषित करना पड़ेगा। सक्सेस मतलब क्या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा देखो भाई, देखो। हाँ बोलिए बोलिए। कैसा हो, कैसा हो, अभी कैसा है? अभी पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए पेरेंट्स ATM मशीन है, और बच्चा ATM मशीन हो जाए तो माँ बाप की सफलता है। 25 लाख का पैकेज लग गया, बस पैकेज लगते ही बाहर आ जाती है, और जिस कॉलेज में ज्यादा बड़ा पैकेज लगता है उसका उतना ही बड़ा नाम है, उसकी इतनी ही ज्यादा वैल्यू है। कल को IIT के बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे तो IIT कोई नहीं जाएगा। एक वक्त आया था बीच में जब IIT वालों को जॉब नहीं मिल रहा था, कोई 10-11 साल पहले, तो माँ बाप ने IIT वालों को बेटी देना बंद कर दिया था, ऐसा एक दौर बीच में आया था। सिविल वालों को तो सिविल इंजीनियरिंग 10-15 साल पहले बंद ही हो रही थी, फिर धीरे से दोबारा कंस्ट्रक्शन का दौर आया तो चल गया। हाँ जी, लिख पाए? कितने लोग लिख पाए? क्या बात, इतनी जल्दी लिख दी? बोलिए, माइक लीजिए, माइक लेके बोले, फटाफट हाथ उठाएं, बोले, कुछ युवा लोग बोले, कुछ माँ बाप लोग बोले। मैं तो अपने बच्चों को खुश और स्वस्थ, मींस हेल्दी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं बहुत अच्छा पढ़े क्लास में फर्स्ट टाइम, माइक दूर कर, मतलब बहुत अच्छा करें क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, उसके बच्चे जैसा हो, मेरी बात सुने, मेरा ये करे। बट अब जो मैं नोटिस कर रही हूँ, मीन्स
पता नहीं वो किस वजह से है, लेकिन हाँ अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपने लिए खुद ही अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा ही करेंगे, अगर एक उन्हें एनवायरमेंट मिलेगा तो हमें उन्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने आप अपना अच्छा कर पाएंगे। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि अभी तक हम जो कुछ करते आए उसकी वजह से वो स्वस्थ भी नहीं है और हेल्दी भी, खुश भी नहीं। मतलब हाँ, एक प्रेशर में डालना जरूरी नहीं, ऐसा ध्यान गया है ना कि ऐसा हो जाए, उससे मतलब ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज जबरदस्ती करवाई जाए तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं करता है, वो अपने मन से अगर कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे, हमारे प्रेशर में करेंगे तो अभी कर लेंगे लेकिन बाद में शायद, हमारे प्रेशर में करेंगे ये एक बात है और किसी दूसरे के प्रेशर में आ गए हैं ये भी एक बात। हाँ, लेकिन मतलब दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। हाँ जी, हेलो, कहाँ हैं आप? हाँ, थोड़ा सा खड़े, घुटनों के, घुटनों से थोड़ा सा ऐसे, हाँ बस इतना भी हो जाएंगे तो चलेगा। So either he or she should be accomplished human being on personal as well on professional front. That ये is, accomplished human being को कैसे define करेंगे? Accomplished human being personal or professional front में he should define within the family, outside the family, when we talk about the friend circle, relatives and everyone. So he should keep the balance between both the things, the personal as well as on professional front, equilibrium. Balance होता है कैसे पहचानेंगे? बैलेंस सी इन फैक्ट ऐसा है कि द वे वी आर डूइंग द जॉब और द बिजनेस, इट्स नॉट 9 to 5 जॉब, इट्स लाइक 24/7, सो ही शुड बैलेंसिंग आउट एंड दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू डिफाइन एंड वी नीड टू एजुकेट देम, बट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, देन ओनली वी कैन गिव देम। जी जी, बढ़िया, थैंक्स, बढ़िया जी, थैंक यू। हाँ, बच्चा पैदा हुआ तब से सोच रहे थे, थोड़ा सा ऐसा, पैदा हुआ तब से सोच ही रहे थे कि क्या बने, तो बहुत बार सोचा कि सक्सेसफुल हो जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए, पढ़ाई में आगे बढ़ जाए, साइंटिस्ट बन जाए, वो स्पेस में जाए, पर वो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि हाँ यही, पर वो वर्ड भी नहीं मिल रहा था कि क्या। पर आप जब ने शुरुआत की तब जो वर्ड मिला वो ये मिला कि वो अपने जीवन से मिल जाए। बढ़िया, हाँ जी, और कोई? हाँ जी, माइक, जिसके पास माइक हो बोलिए। सर, मैं एक युवा हूँ, मैं 23 साल का हूँ, तो फिलहाल मैं अभी सबसे पहले तो मेरा गोल है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाऊँ खुद को और मेरे परिवार को। कितना पैसा होने से स्टेबल मानते हैं? महीने का 3-4 लाख ठीक है, जिस हिसाब से हमारी अभी फिलहाल लाइफस्टाइल है। अभी फिलहाल 3-4 लाख लगता है। हाँ, दूसरी चीज मैंने लिखी है कि मैं जो काम करूँ मेरे करियर में वो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट ला सके, तो मेरा प्रोफेशन है फिटनेस में हूँ, मैं फिटनेस कोच हूँ, तो मैं अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं उनके लाइफ में माइक उनके लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाऊँ। तीसरी चीज मैंने लिखी है कि ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे हमेशा माइक चेंज कर लो। थैंक यू। तीसरी चीज मैंने लिखी है कि ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे हमेशा सीखते रहना है, मुझे एक स्टैग्नेंट लाइफ नहीं चाहिए, मैं जितना एक्सप्लोर करूँ, लोगों से मिलूँ, तो मुझे वो ग्रोथ माइंडेड एक इंडिविजुअल बनना है। और चौथी चीज कि एक लाइफ में एक डायरेक्शन चाहिए प्रॉपर, कि कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, कितने भी जितने सारी फिलोसॉफीज हो, मेरा खुद का एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो, सेट ऑफ रूल्स हो, जिसको फॉलो करके मैं अपनी लाइफ जी पाऊँ। तो ये चार चीज़ें लिखी है मैंने। जी, चलो नहीं, जी मैं ये देखना चाहूंगा कि जो मेरा बच्चा है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, जिसके अंदर सही और गलत के भेद कर पाने की और अपने जीवन को समझ पाने की, साथ में समाज को समझ पाने की एक समझ हो। और सही और गलत की पहचान क्या होगी?
ये तो देखो, सारी दुनिया का झंझट ही इतना है, सारी दुनिया का झंझट कुल कितना है कि एक तो एक लाइन में कहें तो उसको ऐसा बोलेंगे कि चलेगी किसकी। तो मेरे भीतर भी एक लड़ाई जा रही है, एक थॉट प्रोसेस कहता है कि ऐसा करो, दूसरा थॉट प्रोसेस कहता है कि ऐसा करो, और दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज हूं कि ये करूं कि ये करूं। तो मेरे अंदर भी एक लड़ाई चल रही है जिसमें कि एक दो या तीन या चार व्यूज एक साथ पैरेलली चल रहे हैं, और चारों में से मैं तय नहीं कर पाता हूं कि मैं किसको एग्जीक्यूट करूं। मेरे को ये भी ठीक लगता है और ये भी गलत नहीं लगता है, ऐसा चलता रहता है। एक परिवार में देखेंगे तो बाप बेटे को समझाना चाहता है, बेटा बाप को समझाना चाहता है, तो बाप को लगता है मैं सही हूं, बेटे को लगता है मैं सही हूं। एक कॉलेज में जाएंगे तो प्रिंसिपल को लगता है मैं सही हूं, टीचर को लगता है मैं सही हूं। दो देशों में जाएंगे तो दो देशों में भी एक सबको अपने अपने इंटरेस्ट ठीक लगते हैं दूसरे को। तो सारी दुनिया में एक ही लड़ाई है कि चलेगी किसकी, और चलेगी किसकी का मतलब है कि जिसकी भी चल, जो भी हर व्यक्ति ये मानते हुए कि मैं ठीक हूं और मेरी चलनी चाहिए, ऐसा ही हम मानते हैं। तो सही गलत का हमारे पास कोई यूनिवर्सल ग्राउंड है ही नहीं। मेरे भीतर भी कन्फ्लिक्ट है, मेरे बाहर भी कन्फ्लिक्ट है, और उसका एकमात्र कारण इतना ही है कि क्योंकि सही गलत का हमारे पास कोई कारण, और जिसकी एक बार चल जाती है, किसी भी तरह से चल गई, वो ये कोशिश किए रहता है कि हमेशा चलती रहे, मैं ना रहूं तो मेरा आदमी तो रहेगा। वो कहानी घर में भी है, मैंने एक सास को अपनी तीन बहुओं को कैसे लड़ा के रखा जाए, क्योंकि तीनों एक हो गई तो सास का तख्ता पलट देंगे, ऐसा भी देखा। वो काम अपने अंदर भी होता है, अपने घर में भी होता है, और अपने एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे भी होता है, और राजनीति और संस्थाओं में भी होता है, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम तो माइंडसेट का है, जहां भी आदमी है वो ऐसा करेगा, है ना। तो ऐसी जितनी सारी बातें हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कितना होने से फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएगा, अभी 4 लाख लगता है, जब 4 तक पहुंचेंगे तब तक ये 14 हो जाएगा, क्योंकि तब कुछ और दिखने लगेगा। फिर हम फिटनेस की बात भी करते हैं, एक तरफ हम अनफिट रहने का जुगाड़ भी अपने साथ लिए हुए हैं, और फिर हम फिटनेस की बात भी करते हैं, ये अपने आप में कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। जब हम बैलेंस की बात करते हैं जॉब में और फैमिली में और तमाम जगह में, तो उधर भी ऐसा, जॉब में भी ऐसा परफॉर्म करना है जो सबसे ज्यादा हो, वो अपने आप में कन्फ्लिक्ट है ही है। बिजनेस का बड़ा प्रिंसिपल यही है कि जो भी बिजनेस आप करते हो उसमें आपकी मोनोपोली हो जाए तो आपका इंटरेस्ट बढ़िया सेव होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। दूसरा भी यही कोशिश कर रहा है कि मोनोपोली मेरी हो जाए। इस बीच में जो भी प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल होगा वो रहेगा ही। तो हमारी सारी सारी स्ट्रगल को, हमारी सारी अप्रोच ऐसी है कि स्ट्रगल मैक्सिमाइज होगी, उस बीच में हम एक बैलेंस की तलाश भी करते हैं। मैं एक ऐसी एक पेरेंट्स के साथ एक स्कूल में बात कर रहा था, हम एक छोटा स्कूल चलाते हैं रायपुर में, तो एक बार नए एडमिशन्स हुए थे और संयोग ऐसा था कि मेरे को पेरेंट्स से बात करना पड़ा। तो मैंने ऐसे बोर्ड पे लिखा कि हम अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं। आप, सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि जैसे सही और गलत का भेद करने का जो आपने बताया, तो ये परिस्थिति जन्य है कि जो बैलेंस बना के जिसकी वजह से कोई इस तरह का, उसको समझेंगे। एक लाइन में आंसर कहना मुश्किल है जी, लेकिन धीरे धीरे उस तरफ चलेंगे, क्योंकि अब सही ना माँ बाप का चलेगा, ना सही बच्चों का चलेगा, ना टीचर का चलेगा, ना मैनेजमेंट का चलेगा, ना सरकारों का चलेगा, ना धर्म गुरुओं का चलेगा। मॉडर्न एजुकेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम बच्चे को लॉजिकल और रीजनिंग, है ना, एक उस तरह का माइंडसेट दे पाए। अब लॉजिकल माइंडसेट के साथ अब जब सब चीज़ को जांच के देख, कम से कम उसको ये तो पहचानना आ गया है कि ये साम आप ठीक नहीं बोल रहे हो, तब किसी एक का नहीं चलेगा। और किसका चलेगा जब तक उसके पीछे कोई यूनिवर्सल बैकिंग नहीं होगा, जब तक यूनिवर्सल ग्राउंड उसके पीछे नहीं होगा, अब नहीं चलने वाला। तो देखेंगे उसको कैसे इवॉल्व करेंगे। आपकी बात पूरी हो गई। देखिए इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, घटी घटना है उसको शेयर कर रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स के साथ चर्चा हो रही थी और मैंने बोर्ड पे लिखना शुरू किया, सबने लिखवा दिया। लिखने के बाद जब उस बोर्ड को पढ़ के देखा तो जितने महापुरुषों में आज तक जितने गुण हुए हैं वो सारे बोर्ड पे थे।
एक में तो काम नहीं चलेगा, सबको मिलाना पड़ेगा। इतने सारे गुण बोर्ड पे आ गए थे कि हम अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं। अब बोले इसके लिए क्या किया जाए, बहुत आसान है, जितने गुण हमने बोर्ड पे लिखवाए हैं उसको हम अपने परिवार में जी ले। जैसे हमारे लमिया मैम है, लमिया बहन कहाँ गई है, अब ये बोलती हैं तो इनके बोलने में वो मराठी एक्सेंट आता है, जबकि ये मैक्सिमम टाइम गुजरात में है। तो हम जिस भाषा में हमने जन्म लिया है, पले हैं, बड़े हैं, उस भाषा का एक्सेंट हमारे पंजाबी इंग्लिश बोलेगा तो उसकी पंजाबी इंग्लिश अलग ही होती है। अब गुजराती इंग्लिश बोलेगा तो उसकी गुजराती भी इंग्लिश में गुजराती टच आ ही सकता है। तो इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि हम जिस वातावरण में पैदा होते हैं उसका गहरा प्रभाव हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा भाषा और तमाम चीजों में आता है। तो इसका मतलब है कि एक बच्चा यदि अपने परिवार में अपने माँ बाप को जैसा जीता हुआ देखता है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट, एक बड़ा प्रभाव उसकी जिंदगी में आता है, फिर एनवायरमेंट अपना काम करता ही है। तो शायद जितनी बातों को हम कह रहे हैं, ये हमारी कहने में भी उसकी कोई कंप्लीट हमारी अपेक्षा है, क्योंकि जिन चीजों मेरी लाइफ में इम्बैलेंस है तो मैं बैलेंस शब्द मेरे पास आ जाता है। हमने अपने बच्चों को सब कुछ करने के बाद खुश नहीं देखा है तो हमारे पास एक शब्द खुश है, खुश रहे भाई, कैसे भी खुश रहे, अपनी चला के खुश रहे, तो क्योंकि हमने अपनी चलवा के देखा कि वो खुश नहीं हुआ है। तो हमने जिन चीजों को प्रयास पूर्वक करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं पाए हैं, वो जिंदगी, वो शब्द हमारी अपेक्षा में, हमारी भाषा में आ जाता है, लेकिन उसकी क्लैरिटी हमारी भी नहीं है कि ये होगा कैसे। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत कॉमन शब्द है, हम सबकी भाषा में रहता है, लेकिन कितना पैसा होने से एक आदमी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में 10 पीएचडी करने के बाद भी ये क्लैरिटी नहीं बनती है कि कितना पैसा होने से मैं फाइनेंशियली स्टेबल कहलाऊंगा, पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी मेरे को तंग नहीं करेंगे, ये तय नहीं हो पाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ शब्द हमारे पास केवल भाषा में है, अपेक्षा में है, लेकिन उसकी क्लैरिटी भाषा में भी हमारे पास हो, रियल लाइफ में वो अवतरित हो जाए, ये तो और आगे की बात है, ये तो और दूर की बात है। तो सार क्या निकला, सार ये निकला, ऐसा हम आज ही हम चाह रहे हैं। यदि आप वो जो मुंशी प्रेमचंद हुए हैं ना, उनकी कहानियां पढ़ के देखें तो जो प्रॉब्लम आज हमारी चल रही है वो उस समय भी चल रही थी। मुंशी प्रेमचंद मेरे को लगता है कि 100 साल पुराने होंगे कम ज्यादा, तो 100 साल पहले जो एजुकेशन को लेकर चर्चा हो रही थी वो आज भी हो रही है। 100 साल पहले जिस तरह से हम परिवार में झेल रहे थे एक दूसरे को, कुछ एंगल बदल गए होंगे, आज भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं चाह रहा हूं वो मैंने दुख पाया है, और मेरी कोई अपेक्षा है वो मैं कह रहा हूं, या जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे मेरी कोई क्लैरिटी है, उसके पीछे मेरा कोई ब्लूप्रिंट है, मैं उसको कह रहा हूं।